आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x - 2 sin x अबाउट 4 sin x + 5 cos x dx बराबर है ax + b log cos 5 log 5 cos x + 4 sin x, देन a कॉमा b की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले अपना इंटीग्रल लिख लेते हैं, 3 cos x - 2 sin x dx अपॉन 4 sin x + 5 cos x, और ये इंटीग्रल हमें कुछ किसी चीज के बराबर भी दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है? ax + b log of 5 cos x + का 4 sin x। तो यहां से अगर हम देखेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो राइट हैंड साइड में हम इसको अगर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos x - 2 sin x अपॉन में 4 sin x + का 5 cos x बराबर क्या हो जाएगा? d / dx ऑफ ax + b log ऑफ 5 cos x + का 4 sin x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं इसका? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 cos x - 2 sin x अपॉन 4 sin x प्लस का 5 cos x बराबर होगा, ax का डिफरेंशिएशन a ही रहेगा, और हमें एक फॉर्मूला पता है क्या? d by dx ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है हमारे पास? वो होता है 1 upon x, ये होता है। तो हम ये लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? प्लस का a प्लस 1 upon 5 cos x प्लस का 4 sin x, ये आ गया हमारे पास। और साथ में चेन रूल लगाएंगे तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का 5 sin x प्लस का 4 cos x, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 cos x - 2 sin x अपॉन में 4 sin x प्लस का 5 cos x बराबर क्या होगा? a इनटू में 5 cos x प्लस का 4 sin x इनटू में, ये यहाँ पे हमारे पास b भी आएगा, प्लस b इनटू माइनस 5 sin x प्लस का 4 cos x डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 5 cos x प्लस का 4 sin x हो जाएगा ये। तो 5 cos x प्लस 4 sin x से कट जाएंगे क्या दोनों, ये हमारे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos x माइनस 2 sin x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5a cos x प्लस 4a sin x बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये माइनस का 5b sin x प्लस का 4b cos x। तो अब cos वाली टर्म एक साथ, sin वाली टर्म एक साथ, तो 3 cos x माइनस 2 sin x बराबर होगा 5a प्लस 4b cos x, और ये केस के बराबर होगा प्लस का 4a माइनस 5b sin x। अब अगर हम कंपेयर करके देखें, बाय कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करके देखें, तो 3 क्या कहते हैं हमारे पास 5a प्लस 4b किसके बराबर आ जाएगा? 3 के, और हमारे पास 4a माइनस 5b बराबर आ जाएगा माइनस 2 के। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5a प्लस का 4b बराबर 3 और 4a माइनस 5b बराबर माइनस 2। तो इसमें क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये क्या बन जाएगा? 5 5s are 25a प्लस का 5 4s are 20b बराबर 5 3s are 15 और ये 16 है माइनस का 20b हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ से 20b से अगर दोनों को सम कर दे
तो 20b से 20b ये हो जाएगा 41a, और 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/41। और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो 5a+4b=3, 4a-5b बराबर क्या है हमारे पास, -2। तो इस बार हम क्या करता है, इस वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, 25a, सॉरी ये 20a बनेगा, 20a+16b बराबर क्या बनेगा, 12k। और ये क्या बनेगा, 20a माइनस का ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 25b हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, तो ये 20a से 20a कट जाएगा, ये हो जाएगा 41b बराबर हो जाएगा 22 के, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/41। तो a कॉमा b क्या आ रहा है हमारे पास, a कॉमा b आ रहा है 7/41/22/41। यही हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, a कॉमा b क्या है, तो हमारे पास a कॉमा b आ जाएगा 7/41/22/41। यही हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।